लेकर चलते हैं इंदौर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। चाइस आई थी 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 9 साल मोदी जी ने शासन किया और इस 9 साल में मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने किया है। समग्र दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, हजारों हजारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मित्रों, ये जो मोदी मोदी के नारे विदेश में लग रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाओ तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। परंतु मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊब तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोलिए, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या?
और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे, 550 साल से, न जाने कितने अज्ञात लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह